हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसके बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर अगर आप परेशान हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे मेनली आपको जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो हम जो भी चैप्टर्स हैं 11th और क्लास 12th के जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनसे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में मेनली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ज्यादातर जो सिलेबस है वो इन्हीं चैप्टर्स को कवर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो भी क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम कंबाइंडली डिस्कस करने वाले हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि से सबसे पहला जो नंबर आपको दिख रहा है वो है द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो यूनिट है उसके अंदर 2 से 3 चैप्टर्स जो हैं वो और दिए गए हैं और ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन पर ये यूनिट्स के नाम है, इनके अंदर 2 से 3 चैप्टर्स जो हैं वो और दिए गए हैं, तो आपको इन यूनिट्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ना है, उनमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं वो भी पढ़ने हैं, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स से आपको जो मेन एग्जाम है उसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट है उसका नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड जो यूनिट है उसमें बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट सिर्फ एक चैप्टर है और इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे ज्यादातर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्ड नंबर पर जो यूनिट है जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो यूनिट है उसमें 2-3 चैप्टर्स और दिए गए हैं, जैसे सर्कुलेशन चैप्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम है। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनसे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो 5th नंबर पर जो चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, इससे भी क्वेश्चन जो है वो आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 6th नंबर पर जो यूनिट है जिसका नाम है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो यूनिट है उसके अंदर 1-2 चैप्टर और दिए गए हैं, तो वो चैप्टर्स को भी आप पढ़ें क्योंकि उनमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे मेनली आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 7th नंबर पर जो यूनिट है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 8th नंबर पर जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट दी गई है, बायोटेक्नोलॉजी की जो यूनिट है उसमें 2-3 चैप्टर्स और दिए गए हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस यूजेस वगैरह जो हैं वो दिए गए हैं, उनको भी आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये जो है वो मेन टॉपिक है जिससे मेनली एम्स बीएससी जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ 9th नंबर पर जो चैप्टर दिया गया है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये एक पूरी यूनिट है जिसमें मेनली 2-3 चैप्टर्स और दिए गए हैं इकोलॉजी से ही रिलेटेड और जो एनवायरमेंट है जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो दिए गए हैं जिनसे मेनली आपको एम्स में जो क्वेश्चन जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। हम जो है वो कुछ यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन यूनिट्स के अंदर और भी चैप्टर्स दिए गए हैं जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिनसे मेनली एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ 10th नंबर पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो है वो आपको क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे मेनली लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको जो एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मतलब जो भी किस तरीके से हम हेल्थ को डिफाइन करेंगे, डिसीज को डिफाइन करेंगे, इम्यूनिटी किस तरीके से हमारी बॉडी में होती है और इम्यूनिटी जो है वो किस तरीके से हमें जो डिसीजेस से बचाती है उसके बारे में बताया गया है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो सभी चैप्टर्स हैं वो बायोलॉजी सब्जेक्ट के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा नंबर में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इन चैप्टर्स को ज़रूर कंप्लीट करें जिससे आप जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है उसको क्रैक कर पाएं, जिससे आप एम्स से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू करें। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।